हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे ट्यूटोरियल में। और आज मैं बात करूंगा अपने नई फ़ोटो के बारे में। और इस एक मिनट रोटेट कर देता हूं मैं, रुक जाइए। हाँ, सो यहां पे ये मेरा बैकग्राउंड है और मैं सारी PNGs आपको दिखाऊंगा कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इजीली पुट करते हैं। तो यहां सबसे पहले मैं अपने आप को ऐड करता हूं और यहाँ इजली अपने आप को सिट डाउन कराता हूँ। ठीक है, तो यहाँ टिक कर दिया है मैंने और ये मैं सही से परफेक्ट फिट हो गया है। और फिर उसके बाद मेरे को यहाँ ऐड करना है बलून, और बलून को थोड़ा ध्यान से करिएगा क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा फेड इफ़ेक्ट डाल रखा है कि वो कहीं भी सेट हो जाए, आप जहाँ भी लगाएं। ठीक है, तो यहाँ ये बलून थोड़ा सा ऑड लग रहा है, एक बार रिवर्ट जाता हूँ मैं और फिर से ऐड करता हूँ। ऐड बलून को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ज़्यादा ही बड़ा लग रहा था वो। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है, ये बहुत पुरानी है, एक एल्बम आर्ट देखी थी मैंने तो वहाँ से थोड़ा सा इंस्पायर्ड था। कुछ सोल 1000 करके था उनका, तो मैंने देखी थी वहाँ पे, बहुत पहले देखी थी ये चीज़। उसके बाद मैं अपने पैर पे चेन्स ऐड करता हूँ। चेन्स बहुत ही परफेक्ट ऐड होती हैं और अच्छी लगती हैं जब आपकी फ़ोटो में चेन्स टलती हैं तो। ठीक है, तो यहाँ मैंने अच्छे से लेग्स के लिए इनकी कटिंग कर रखी है कि लेग्स के पास वो परफेक्टली फिट बैठे और आपको इतनी ज़रूरत ना पड़े कटिंग वटिंग करने की। तो मेरी पहले से ही PNG सारी रेडी होती हैं और अच्छे अच्छे कटिंग्स के साथ कि आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए बाद में। सो इसके लिए चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें यार। तो यहाँ चेन सही लग रही है मुझे, तो इसे मैं टिक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोबारा ऐड, नहीं, ये ऐड फोटो में जाने का है और यहाँ से ऐड करता हूँ मैं फिर आइज़ का ग्लो। तो यहाँ आई को मैं बहुत अच्छे से सेट करूँगा ले जाके। तो यहाँ आई कुछ ऐसी लगेगी लेकिन ज़्यादा बड़ी है यहाँ। सो अभी भी ज़्यादा बड़ी है, हाँ अब सही है। तो अब सही लग रही है ये। ठीक है, अब उसके बाद ऐड करते हैं अपने विंग्स प्यारे वाले। सो विंग्स लगाना बड़े ही इजी तरीका है लेकिन यार विंग्स थोड़ा सा गलती हो गई है हमसे कि विंग्स हमें पहले ऐड करने चाहिए थे, लेकिन कोई नहीं, मास्क आउट करते हैं हम इसे। ठीक है, इरेजर, इरेज करते हैं अच्छे से। आप देख सकते कितने प्यार से रिस्टोर हो गई है इमेज और अच्छी भी लग रही है। और अब बढ़ते हैं अपने दूसरे एडिट की तरफ और ऐड फोटो करते हैं और यहाँ ऐड कर देते हैं क्रोज, क्रो क्रो क्रो। तो क्रो यहाँ पे ही अच्छे लग रहे थे मुझे। अब उसके बाद जाना है आपको ऐड फोटो और स्कल की तरफ, आपको स्कल ऐड करना है अब। और यहाँ पे ऐड था, ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना प्यारा और अच्छा ग्लो लग रहा है ये। तो यहाँ परफेक्टली बैठ गया है ये, बस थोड़ा सा है। ठीक है,
अब उसके बाद हम दोबारा जाते हैं ऐड फोटो और ऐड करते हैं इसमें फायर। कई बंदों को आ नहीं रही थी ये चीज़ें, तो मैं ज़रूर बताने आया हूँ। एंड स्क्रीन मोड, और यहाँ फायर आप थोड़ी सी टेढ़ी कर सकते हैं दिखाने के लिए। कुछ इस टाइप का। तो यार PNG पे टाइम लगाएंगे तो हो जाएगा, इतना सही लग रहा है। अब उसके बाद आते हैं कलर ग्रेड। तो कलर ग्रेड का कल भी मैंने बताया था, मैं दो ही तीन चीज़ें यूज़ करता हूँ इसमें भी, ये वाला और ये MV। तो फेड कर देते हैं और यहाँ पे ये ट्यूटोरियल करता हूँ मैं रैप। थैंक यू गाइस।